मनावर नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेघाजी पाटकर दीदी मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा द्वारा ग्राम बड़ता में आकस्मिक दौरा किया गया और अवैध रूप से चल रहे रेत उत्खनन पर कार्यवाही की गई, जिसमें 27 नाव जो कि नर्मदा जी से रेत निकालने के कार्य में लगी थी देखी गई और मौके पर 29 रेत के ढेर प्राप्त की गई। टीम द्वारा रेत खदानों का मौका किया गया तो एक ट्रैक्टर सोनालिका 740 अमर सिंह जिला खरगोन गाँव भिलगांव का होकर यहां किसी व्यक्ति द्वारा लीज पर लाकर रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। गांव के कार्यकर्ताओं द्वारा और नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रशासन के जवाबदार अधिकारियों बर्ता में हो रहे अवैध उत्खनन की सूचना दी गई थी, परंतु किसी भी सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई और अपनी शासकीय कर्तव्यों का निर्वाह नहीं किया गया। पूर्व में भी 11 मई 2021 की ग्रामीणों की शिकायत पर पटवारी द्वारा अपनी टीम के साथ मौका मुआयना किया गया और स्थानीय पंचनामा बनाया गया और मौके पर 14 रेत के ढेर, 3 तगारी और 9 रेत के फावड़े जब्त किए गए थे, परंतु कार्यवाही की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई और कागजों में ही सिमट गई। आज घटना में जब्त ट्रैक्टरों को पुलिस कार्यवाही के लिए कार्यकर्ता उपस्थित थे तो रेत माफियाओं द्वारा कार्यकर्ताओं को गाली गलौज की गई और आपस में मारपीट की गई। कार्यकर्ताओं को जान से मारने की धमकी दी गई और असमय निपटा देंगे और पता भी नहीं चलेगा, ऐसी धमकी दी गई। पूर्व में भी पर्दा में 9 जुलाई 2012 को रेत उत्खनन के चलते आपसी रंजिश को लेकर एक बड़ी घटना घटी थी और आपसी हाथापाई में 3 व्यक्तियों की हत्या हुई थी। अगर प्रशासन जवाबदेही कार्रवाई नहीं करता तो रेत माफिया आगे भी रेत का अवैध उत्खनन करते रहेंगे। मनावर से ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए दिनेश पटेल की रिपोर्ट। फिर 2013 में फैसला है हरित न्यायाधिकरण, मध्य प्रदेश को खास अलग फैसला उन्होंने दिया क्योंकि मध्य प्रदेश ने उल्टी अपील कर दी, उसमें हार गया प्रशासन। 2013 के फैसले हैं, कई सारे मुख्य सचिव जिम्मेदार, और 2015 का अपनी ऑर्डर में पूरा फैसला है कि ये नदी किनारे के जो गांव है अपने डूब क्षेत्र के, यहाँ नहीं हो सकता है। ये जमीन NVDA के मालिकी की है तो NVDA चोरी करवा रही है सरकार की संपत्ति की, ऐसा हो जाएगा। जो कार्यपालन यंत्री है उसका नाम चढ़ा है जमीनों पर, तो ये हो जाए। इसको धार जिला प्रशासन, कलेक्टर महोदय, SDM महोदय और पुलिस प्रशासन, ये जो अवैध रूप से रेत निकाली गई है इसको आए और जब्त करे, और साथ में मैं प्रदेश के समस्त नर्मदा माँ नर्मदा नदी के किनारे बसने वाले हमारे प्रदेशवासियों से भी हाथ जोड़ के अनुरोध है कि माँ नर्मदा नदी एक पावन नदी जो जिसको हम निमाड की गंगा भी कहते हैं, और इस माँ नर्मदा को बचाने के लिए हम सबको आना पड़ेगा। नर्मदा नदी के किनारे बसे हमारे ग्राम वासियों को आना पड़ेगा और माँ नर्मदा की रक्षा के लिए ये शासन प्रशासन जो अवैध रूप से मिलकर ये काम कर रहा है, और इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी अगर अपने को धरने प्रदर्शन के लिए भी बैठना पड़े तो प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार के खिलाफ बैठना चाहिए और माँ नर्मदा को बचाने के लिए आप लोगों को आगे आना चाहिए। यही आप लोगों से अनुरोध है।